हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाले हैं, और साथ में ही एक बार ये पौधे अगर आप अपने घर में लेके आते हैं फ्रेंड्स, तो आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। आपको तो कई पौधे लोगों को देने भी पड़ जाएंगे, इतने सारे हो जाते हैं कि। तो चलिए, कौन कौन से पौधे हैं शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को। तो पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, और इसकी वेराइटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, तो वो है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट, जिसे सेंसिवेरिया भी कहते हैं। और बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं। नासा के द्वारा जितने भी प्लांट्स शेयर किए गए हैं टॉप एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स में, उसमें इसका नाम नंबर वन पे है। और ये जो प्लांट्स होते हैं थोड़े पॉइजनस भी होते हैं, तो अगर घर में रखा हो तो थोड़ा ख्याल रखें। ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होने वाले पौधे हैं, और इसकी ग्रोथ इस तरह से होती है। ये देखिए, इसकी प्रोपगेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। इसकी पत्तियों से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, पत्तियों को काट कर और मिट्टी में आधी पत्ती को दबा दें, तो उससे भी कुछ दिनों के बाद ये नए पौधे तैयार हो जाते हैं उससे। और साथ में ही जड़ों के आसपास इस तरह से छोटे छोटे बेबी पप्स निकल आते हैं, तो इससे भी आप ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसका जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट है, और सेंसिवेरिया इसका साइंटिफिक नाम होता है। और इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी है, और इसकी पत्तियां इतनी ही छोटी छोटी रहेंगी, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाले भी स्नेक प्लांट्स मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं ये। तो एक बार ले आएंगे तो घर में हमेशा के लिए आपके ये जो पौधे हैं बने रहेंगे। दूसरा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स कैलेडियम। कैलेडियम को बल्ब से ग्रो किया जाता है, लेकिन जिस गमले में आप इसको लगाते हैं उसी गमले में ये ढेरों प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके बल्ब्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो आप एक प्लांट लगाएंगे तो उसमें बल्ब्स भी ग्रो होते रहते हैं साथ साथ में, और एक से कई पौधे तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और ये सर्दियों में डॉर्मेंट पीरियड में होते हैं, और उस समय इनकी ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां गिरने लगती हैं, तो आप घबराएं नहीं। पत्तियां गिरने का मतलब ये नहीं है कि प्लांट अब दोबारा से आप इसका ग्रो नहीं कर सकते। ये गर्मियों में दोबारा से अपनी ग्रोथ करना शुरू करते हैं, इसलिए जिस गमले में आपने लगा रखा है उसको वैसा ही छोड़ दें, और फिर गर्मियों में वो खुद ही इसमें से नई लीफ जो है निकलना शुरू हो जाएगी। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये मुझे 150 का मिला था, इसमें लगभग इतनी ही पत्तियां थी उस समय। ये कुछ एक डेढ़ साल हो गया इस प्लांट को लिए हुए। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। एक और वैरायटी है मेरे पास, वो आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कैलेडियम प्लांट की ही एक वैरायटी है, और ये बहुत खूबसूरत प्लांट में से एक है। इसमें कलर वेरिएंट्स आप लोगों को इतने सारे मिल जाएंगे, इतने खूबसूरत पौधे हैं ये कि मतलब देखकर मन कर जाता है कि सारी वैरायटीज़ ले लूं, इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि। तो ये है कैलेडियम, जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स। ये देखिए इसका बल्ब, जब इसकी मिट्टी में गमले में दूसरे प्लांट को लगा रही थी तो उसका बल्ब एक इस पौधे में भी आ गया। एस्पैरेगस फर्न लगा रखा है मैंने जिस गमले में, इसमें एक बल्ब लग गया है, इसमें आ गया होगा गलती से, तो इसमें भी फ्रेंड्स ये देखिए इसमें भी कैलेडियम जो है वो ग्रो होना चालू हो गया, इसकी नई पत्तियां निकल रही है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही पौधे से कई सारे पौधे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट है ये लॉन्ग टर्म्स में चलने के लिए। दूसरा फ्रेंड्स, इसके अलावा जो प्लांट है, जो और भी प्लांट्स हैं वो दिखाऊं, जो कि आप एक बार लाएंगे तो लंबे वक्त तक चलते रहेंगे और सस्ते मिल जाएंगे। ये है एस्पैरेगस फर्न। फर्न्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और ये बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं। इसकी जो वैरायटीज़ होती है उसमें फर्न प्लूमोसस, और ये है फॉक्सटेल फर्न। ये देखिए फ्रेंड्स फॉक्सटेल फर्न, ये लोमड़ी की पूंछ की तरह इसके जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, इसीलिए इसे फॉक्सटेल फर्न भी कहा जाता है। और इन पौधों के ऊपर मैंने केयर भी शेयर किया हुआ अपने चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में, और भी तरह तरह की वैरायटीज़ मैंने शेयर की है फर्न की, देखभाल कैसे करें। तो ये भी बल्ब से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। इसके जो बल्ब्स होते हैं मूँगफली के दाने की तरह होते हैं। गर्मियों में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होते हैं। इसको हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखें, बहुत खूबसूरत लगेंगे ये पौधे। और
ये जो प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, इसमें पानी एक बार मिट्टी गमले की सूख जाती है तभी दोबारा से दिया करें, ज़्यादा पानी ना दिया करें वरना आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसके जड़ों में जो बल्ब्स होते हैं छोटे छोटे मूंगफली के दाने जैसे, वो सड़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए पानी बैलेंस्ड वे में देना ज़रूरी है, तभी आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।